अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं, अगर आपका बल्दिया कार्ड बनता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि हम लोग 3 दिन से बल्दिया की जो ट्रेनिंग होती है वहाँ पे हम जा रहे हैं। आज हमारा एग्ज़ाम हो चुका है। हमारे जो ग्रुप में थे कुछ लोग पास भी हुए, कुछ लोग फेल भी हुए, तो आज की इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे कि बल्दिया कार्ड कैसे बनता है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप पास हो जाएँ तो बल्दिया कार्ड कहाँ से मिलेगा, और इसकी फ़ीस कितनी होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे हमारी क्लास में जो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उन लोग को भी बल्दिया के एग्ज़ाम के लिए, बल्दिया की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था, तो वो बल्दिया का एग्ज़ाम कैसे दें। ठीक है, तो मेरा नाम है कामरान और आप देख रहे हैं गल्फ की बात यूट्यूब चैनल। तो ऑलमोस्ट सऊदी अरेबिया में बल्दिया कार्ड सभी का बनता है, जैसे कि हल्लाक हो गए, कटिंग वाले, सलून हो गए, और जो रेस्टोरेंट में काम करने हैं, फूड हैंडलर जो कि रेस्टोरेंट में काम करते हैं, बूफिया में काम करते हैं और जूस बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, इन सब का भी बल्दिया कार्ड बनता है। और उसके बाद में जो बूचर होते हैं, जैसे कि गोश्त बेचने वाले हो गए, मच्छी बेचने वाले हो गए, चिकन बेचने वाले हो गए, इन सब का भी बल्दिया कार्ड बनता है। बल्दिया कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको मेडिकल देना पड़ेगा। मेडिकल के लिए 230 रियाल आपकी फ़ीस होगी। ठीक है, या आपको 1 रियाल भी इसमें पे नहीं करना, आपका जो स्पॉन्सर होगा, आपकी जो कंपनी होगी वो पे करेगी। ठीक है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस एक जनरल नॉलेज के लिए। वहाँ पर आपको 1 दिन के बाद में फिर आपको बल्दिया की स्कूल की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, जो कि आपका स्पॉन्सर या आपकी कंपनी लेगी। तो बल्दिया की जो अपॉइंटमेंट होती है वो 1032 रियाल की होती है पर हेड, एक आदमी के 1032 रियाल देने पड़ेंगे। 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, जिसमें 2 दिन आपको वायरस के बारे में और टेम्परेचर से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें सिखाई जाएगी, और जब 3रा दिन होगा उस दिन आपको प्रैक्टिकल बताया जाएगा और आपको थोड़ा बहुत सिखाया जाएगा, और उसके बाद में आपका एग्ज़ाम होगा जो कि ऑलमोस्ट 2 घंटे का होगा। तो बल्दिया की क्लास होती है वो 4 घंटे की होती है। ठीक है, 8 बजे से लेके 12 बजे तक, फिर उसके बाद में 12 बजे से लेके 4 बजे तक, तो आप इन दोनों में से एक टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से। इन 4 घंटों में आपको आधे घंटे का ब्रेक भी मिलेगा, और आप चाय वाय पी के नाश्ता वाश्ता करके आ सकते हैं फिर से, और आधा घंटा आपका अटेंडेंस में बैठने में थोड़ा चला जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपकी 3 घंटे इसमें पढ़ाई होगी। 3रे दिन आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा और उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बल्दिया की क्लास होती है वो इस तरीके की होती है, जिसमें कि आपको प्रोजेक्टर से दिखाया जाता है सामने, और 20-25 लोग तकरीबन होते हैं, हमारी क्लास में 22 लोग थे, तो आपको प्रोजेक्टर से सारा बताया जाता है कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। आपकी जो लैंग्वेज है, जैसे कि तमिल वाले हो गए, हिंदी हो गए, केरला वाले हो गए, इन सबके लिए अलग अलग है। जैसे अगर आप हिंदी बात करने वाले हैं तो आप हिंदी सेलेक्ट करिए लैंग्वेज, अगर आप अरबी बोलने वाले तो अरबी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश अच्छी समझ में आती है तो आप इंग्लिश की भी क्लास ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, और जिनको पढ़ने नहीं आता उनके लिए हम आगे बात करेंगे। को समझ में तो आता है ना, पढ़ने लिखने नहीं आता, लेकिन क्लास में क्या क्या बताया जा रहा है वो तो समझ ही सकते हैं। तीसरे दिन जो आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा वो इस तरीके का हॉल होगा, जिसमें सब बताया जाएगा कि कटिंग कहाँ पर करते हैं, हैंड वॉश कैसे करते हैं, और सामान कहाँ पे कैसा सेफ रखते हैं, और क्या क्या पहनना चाहिए कटिंग करने के टाइम पे, सारी की सारी बातें होंगी। फिर उसके बाद में आपको एग्ज़ाम के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे छोटे छोटे कंप्यूटर लगे हुए हैं, और माउस आपको दिया जाएगा, एक मॉनिटर होगा छोटा सा, और एक हेडफोन होगा। जिन भाइयों को पढ़ने लिखने नहीं आता, ये हेडफोन उन्हीं के लिए है। आपको सिर्फ हेडफोन लगाना है कान में, जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा उस पर ओके करेंगे तो वो सामने से पढ़ के दिखा देगा। ठीक है, एक और बात ये बता दूं आपको, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तब आप जो भी आपका जो फाइल नंबर लगाने के लिए आएगी मैडम या फिर कोई भी आएगा, तब आप उनसे बता देना कि मेरे को जो भाषा आपको समझ में आती है, जैसे हिंदी हो गई, केरला वाले हो गए, तमिल वाले हो गए, आप उनको बता दीजिए कि भाई मैं ये लैंग्वेज में कम्फर्टेबल हूँ। जैसे कि मैंने उर्दू लिया था क्योंकि मैं उर्दू अच्छे से समझता हूँ, हिंदी भी प्योर हिंदी आती है, यूपी वाले जो बिहार के लोग हो गए उन लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। मैं हैदराबाद से हूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत हिंदी में दिक्कत होती है, तो मैं उर्दू अच्छे से समझ सकता हूँ, तो मैंने इसलिए उर्दू का सब्जेक्ट लिया था। जब आपने 50 क्वेश्चनों का आंसर दे दिया तब आप लास्ट में आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा कि मुबारक हो, आप पास हो चुके हैं। ठीक है, वहीं पर आपको पता चल जाएगा स्पॉट पर। और जो भाई फेल हो चुके हैं उनको टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, आपको दूसरे दिन जाना है, आपको एग्ज़ाम देना एकदम फ्री में, आपके पैसे नहीं लगेंगे, दूसरे दिन भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जब भी आप फेल हो गए, दूसरे दिन भी आप फेल हो गए, तब आपको 172 रियाल पे करने हैं। अगर आप फिर भी फेल हो गए, फिर उसके बाद आपको शुरू से प्रोसेस करना है, जैसे कि 1032 रियाल फिर से पे करना है, फिर उसके बाद 3 दिन क्लास लेनी है, फिर उसके बाद फिर एग्ज़ाम देना है। ठीक है, ये मतलब चलता ही रहेगा, उतना ज़्यादा ये हार्ड होता नहीं है। एक बार आदमी फेल हो सकता है कुछ गलतियों से, लेकिन दूसरी बार आदमी पास कर जाएगा इस एग्ज़ाम को।
बहुत ही आसान है। जब आपका एग्जाम पास हो जाएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर SMS आ जाएगा कि भाई आप जो है पास हो चुके हैं बल्दिया क्लास। फिर उसके बाद में आपको दूसरे दिन ही, मतलब जैसे आपने आज एग्ज़ाम दिया, उसके दूसरे दिन आपका जो स्पॉन्सर या कंपनी वाले होंगे वो जाएंगे बल्दिया ऑफिस में, वहाँ से आपका कार्ड प्रिंट आउट करके उसको लेके आ जाएंगे। तो यहीं पे बात ख़त्म, आपका जो बल्दिया कार्ड है बन के आ गया। बाकी सब मैंने डिटेल आपको, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपको सारी डिटेल मिल गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।